हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी फंडा एनएलपी से जुड़ा हुआ जिसका नाम टोकनाइजेशन है, उसके बारे में भैया आज चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसकी जरूरत क्या होती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर भैया आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें। तो चलो समझना शुरू करते हैं कि ये टोकनाइजेशन वाली क्रिया होती क्या है, इसको एक रिलेटेबल जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझते हैं, एक रिलेटेबल क्रिया के थ्रू समझते हैं जो कि आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, हम दोनों करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, बार बार करते हैं और जरूरी है ये करना। वो क्रिया है भैया खाने की क्रिया। देखिए ना, ईटिंग जो ये भैया क्रिया है बेसिकली, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही बुनियादी और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। सही बात है कि नहीं? उसी तरीके से एनएलपी के लिए भी ये जो टोकनाइजेशन वाली क्रिया है, जो प्रोसेस है, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही बुनियादी, उतनी ही फंडामेंटल और उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि अभी हम लोग खाना खाते हैं। तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि जब हम लोग खाने खाने की अपनी जो प्रक्रिया है, वो जो क्रिया है, जब हम लोग उसको भैया एक तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो अब बात करते हैं कैसे खाते हैं हम लोग उस क्रिया में, किस प्रकार से खाते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो थाली आ गई है हम उसको इकट्ठा एक ही बारी में, एक ही हाथ में भैया पूरा खा लेते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? ओके, अगर होगा भी तो भी भैया वो अच्छी हैबिट नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो ऐसा तो भैया पॉसिबल नहीं है कि आपके सामने इतनी बड़ी थाली रखी गई है, उसमें चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, पापड़ है, अचार है, सब कुछ, और आप एक ही बारे में खा रहे हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, उसको अगर थोड़ा कलाकारी करके भी अगर हम लोग करने की कोशिश करें, जैसे कि एक रोटी रख दी, बीच में थोड़ी सी सब्जी डाल दी, यहाँ चावल डाल दी, यहाँ दाल डाल दिया, यहाँ पे भैया मैंने क्या रख दिया, अचार रख दिया, पापड़ रख दिया, और उसको एक क्लब अप करके मैंने एक ही इसको घास के अंदर, यानी कि एक ही भैया बारी में खाने का प्रयत्न किया, सो नहीं हो पाएगा भैया वो। एंड इट्स नॉट द आइडियल वे टू ईट, इट्स नॉट अ गुड वे, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो चलो बात करते हैं कि फिर एक्चुअल में आइडियल वे है क्या, और हम और आप खाते कैसे हैं। सिंपल है भैया, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हैं, उसको सब्जी में डुबोते हैं और मज़े से खाते हैं। चावल और दाल जो है उसको चम्मच में लेते हैं, आराम से खाते हैं, एक बारी में सब कुछ नहीं खाते, पेट भी खराब हो जाएगा और आगे की जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो तो हो ही नहीं पाएगी, वो तो एकदम मतलब भैया खत्म है उसका काम। सही बात है कि नहीं? तो भैया मुद्दे की बात ये निकल के आ जाती है कि एकदम से अगर खाना खाओगे तो वो सही नहीं रहेगा, तो आपको छोटे छोटे यूनिट्स में अपने फूड को कंज्यूम करना होगा, और वो जो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फूड जो है उन्हें अपन बोलते हैं टोकन्स। अगर खाने की प्रक्रिया हमारे लिए टोकनाइजेशन है, तो उसमें हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये छोटे छोटे टोकन्स ही तो जनरेट कर रहे हैं और उनको भैया कंज्यूम कर रहे हैं और फिर आगे उनको प्रोसेस कर रहे हैं और फिर हमें शक्ति मिलती है। सही बात है कि नहीं? तो यही वो प्रक्रिया है जो आपको यहाँ पे एनएलपी के रिगार्ड में समझनी है कि यहाँ पे भैया आपके सामने बहुत सारा टेक्स्ट होगा, एक पूरा का पूरा कॉर्पस रखा होगा। अब आपको क्या करना होता है, उनको इन स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ना होता है, बराबर है कि नहीं? अब तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब ये टोकन्स जनरेट होंगे, किस प्रकार के टोकन्स होते हैं जो कि ज्यादातर तौर पे आपको देखने को मिलेंगे, तो एक तरीका जो है टोकन्स जिस रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स कंसिडर करोगे, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड एज अ टोकन्स, ये आपके टोकन्स कंसिडर किए जाते हैं कि आपके पूरे पैराग्राफ लेट्स है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे ना, तो कंसिडर अ वर्ड एज अ टोकन। सही बात है, तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है ना, तो दैट इज अ सेपरेटर यू कैन से इन बिटवीन द टू वर्ड्स। साथ ही साथ भैया अपन कंसिडर कर सकते हैं सेंटेंस को भी एज अ टोकन। हम लोग भैया अपना जो सेंटेंस होता है उसे भी एज अ टोकन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक पूरा सेंटेंस मार्क कैसे करते हो कि फुल स्टॉप आ गया, है कि नहीं? फुल स्टॉप आ गया मतलब सेंटेंस बन गया, तो वहां पे उस प्रकार से आपका एक सेंटेंस भी एज अ टोकन ट्रीट किया जा सकता है। और कई केसेस में आप ये वाला फंडा भी देखोगे जहां पे कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर जो होता है उसे भी एज अ टोकन जो है वो कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलो अपना यही वाला जो स्टेटमेंट है इसी को कंसिडर करते हैं। अब अगर इसे हम कंसिडर करेंगे तो अगर मैं वर्ड्स को टोकन कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग NLTK में आप देखोगे वर्ड टोकनाइज करके एक मेथड है NLTK नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, तो उसमें भैया वर्ड टोकनाइज का जो मेथड है उसके जरिए अपने को जो भी टेक्स्ट दिया होगा उसके अंदर के जो वर्ड्स होंगे वो अपने लिए टोकन्स के तौर पर दिखाएगा, बराबर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टोकन है, ये भी आपका एक टोकन है, ये भी आपका एक टोकन है, ये भी आपका एक टोकन है, सो टोटल हाउ मेनी टोकन्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, चार टोकन्स आपके यहाँ पे उपलब्ध है। सही बात है। सेंटेंस अगर हम देखें तो सेंट टोकनाइज करके भी एक मेथड है। सेंटेंस जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप देखना जरूरी है, तो जैसे ही आपको यहाँ फुल स्टॉप दिखेगा तो ये आपका पूरा का पूरा एक टोकन है। ये मामला आपको समझना है। सो दिस इज द एंटायर थिंग इज कंसिडर्ड एज वन टोकन, बट दैट टोकन इज नथिंग बट अ सेंटेंस, सो इट्स अ सेंटेंस टोकन, दिस वॉज अ वर्ड टोकन। और एक और भैया तरीका होता है कैरेक्टर टोकन, जिसमें आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को एज अ टोकन ट्रीट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे कंसिडर करूँ, सो इट वुड बी लाइक दिस, इस तरीके से, बराबर है ना?
इस तरीके से, तो ये आपके भैया होगा टोकन्स फॉर दिस रिस्पेक्टिव वर्ड, है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 फाइव टोकन्स तो आपके इस वर्ड के तैयार हो गए। अभी आपको पूरे अगर इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के कह लीजिए, अपने कॉर्पस के अगर आपको निकालने होंगे, तो इस तरीके से ही आप जो है अपना कैरेक्टर टोकन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इन द स्टार्ट बुनियादी फेज में फंडामेंटली आपको शुरुआत में इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। इस सबके बीच में भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि भैया द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड टोकन जो कि अपन ज्यादातर तौर पे यूज करते हैं वो वर्ड्स होते हैं, कि वर्ड्स के रूप में अपन अपने टोकन को देखना जो है ना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ अपने को रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब वर्ड्स जो है एज अ टोकन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। दोस्तों एक और चीज मैं आपके सामने लास्ट पॉइंट जो है इस वीडियो का बताना चाहूंगा कि ये जो रिस्पेक्टिव आपका लाइक डॉक्यूमेंट है या बड़ा सा कोई कॉर्पस आपके पास होगा उसके अंदर भैया देखो वर्ड्स तो हर तरीके के होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वर्ड्स भी होते हैं और साथ ही साथ स्टॉप वर्ड्स भी होते हैं। अब ये स्टॉप वर्ड वाला फंडे की थोड़ी सी झलक मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी, दिखा दी थी, जहां बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एनएलपी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो भैया आपके रिस्पेक्टिव वैल्यूएबल वर्ड्स भी इस कॉर्पस में होंगे और साथ ही साथ स्टॉप वर्ड्स भी इस कॉर्पस में होंगे। तो क्या मैं रिस्पेक्टिवली जब टोकन जनरेट कर रहा हूं तो क्या स्टॉप वर्ड्स को भी एज अ टोकन कंसिडर किया जाएगा या नहीं? क्या मेरे स्टॉप वर्ड्स को, अब देखो यार नाम में ही भैया यहां पे वर्ड्स है कि नहीं, तो क्या मेरे उन स्टॉप वर्ड्स को जैसे कि भैया आपका एंड हो गया, इन हो गया, जैसे कि अभी इसी केस में यार एंड है, सिंपल सी बात है, आपका इसी केस में आप एंड देख सकते हो जो कि स्टॉप वर्ड है, तो क्या ये आपका एज अ टोकन कंसिडर किया जाएगा या नहीं? इसका जवाब है हाँ किया जाएगा, बट क्या अपने को इसकी उतनी जरूरत होती है, क्या वो इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड करता है या नहीं? नहीं, तो फिर इसका क्या किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा जब हम लोग डिटेल में स्टॉप वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट हाल फिलहाल के लिए ये चीज टोकनाइजेशन वाला फंडा, टोकन्स वाला फंडा होपफुली आपके सामने क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।